नमस्कार। आज अपन बात करेंगे खुद को वित्तीय रूप से विश्वसनीय कैसे बनाएं, कैसे आप अपने आप को ऐसा विश्वसनीय बनाएं कि हर लोग आपको बिजनेस के रूप में, आपको पैसे उधार देने के रूप में आपके ऊपर विश्वास करें। आप कोई भी स्टार्टअप चालू करें या बिजनेस में लाखों रुपए लगाए तो लोग आपके ऊपर विश्वास करें और आपके ऊपर पैसे लगाएं, कैसे? ये पांच बातें आज मैं आपको बताता हूं, आपने जीवन में उतारी है तो आप लाइफ में कभी ठोकर नहीं खाए। नंबर वन, उधार समय पर चुकाए। अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं ना तो समय पर चुकाइए। भले ही आपको कोई विपत्ति आई है, भले आप मुश्किल में हो, लेकिन पैसे समय पर चुकाएं। अगले आदमी के जिस टाइम दिया है, और मैं तो इतना कहता हूं, अगर आपने 5 तारीख पैसे चुकाने कही ना तो 4 तारीख को उसको फोन करिए कि भैया सर आपका पेमेंट तैयार है, ले जाइए। तो ये जो बात है ना, उसके ऊपर क्या इफेक्ट डालती है आपको पता नहीं है। एक बार जब पैसा देता है ना, जब आप दोबारा इसी वे से रिटर्न करते हो ना, तो उसका फेथ आपके ऊपर पहले से ज्यादा डबल क्रिएट होता है, यू कांट इमेजिन। और नेक्स्ट टाइम जब आप उसके लिए पैसों के लिए बोलोगे ना, तो व्हाट हैपेंड यू नो, वो आपको क्या कहेगा, कितने चाहिए, आपको क्या कहेगा, कितने चाहिए। दैट्स व्हाई पॉइंट, ये तरीका होता है किसी से पैसे उधार लेते हो और वापस लौटाने का, ये तरीका होता है। सेकंड, उधारी नहीं चुक रही है तो वाजिब कारण होता है। आपने किसी में एग्जाम्पल बताऊं, आपने किसी से अगर 10,000 रुपए लिए और आपने कहा था कि आने वाले 5 तारीख को मैं लौटा दूंगा, बिल्कुल आपके पास पैसे थे और सब कुछ थे और घर में कोई विपत्ति आ गई, एक्सीडेंट हो गया या आप बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तो नेवर माइंड, आपने 5 तारीख को बोला है तो 4 तारीख को उसको फोन करिए। हो सकता है आपका पड़ोसी हो या दोस्त हो, तो 4 तारीख को उसके घर जाइए और उसको अपना वाजिब कारण बताइए। वाजिब अगर कारण बताओगे ना और उसके घर पे जाके बताओगे ना, तो वह आपके ऊपर विश्वास करेगा वाकई में। और आप उससे 10-15 दिन का टाइम लीजिए, मैं कहता हूं ना, आप अगर 10-15 दिन का टाइम कहोगे ना, वो आपको 20 दिन का टाइम देगा, 25 दिन का टाइम देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका वाजिब कारण जानता है और आप उसने 2 दिन पहले आपको उसको बताया, उसके घर पे जाके बताया, वो मानेगा, जरूर मानेगा। लेकिन अगर आप इसके जस्ट उल्टा करते हो, वो आपको फोन करता है 5 तारीख को, आप कहोगे मैं 7 तारीख को दे रहा हूं, मैं 8 तारीख को दे रहा हूं, लेकिन अगर आप विपत्ति में हो, कैसे दोगे आप, तो आप उसे तारीखें पर तारीखें बताओगे ना, तो वो आप के ऊपर उसका भरोसा उठ जाएगा। और जब आप उसको, जब लास्ट में आप उसको रियल हकीकत में बताओगे, यार मेरे साथ ऐसा हो गया था और इस कारण मैं नहीं दे पाया, तो आप उसको ये चीज पहले ही तो बता सकते थे, उसके घर पे जाके भी तो बता सकते थे। उस वक्त अगर बताते तो विश्वास, ये फेथ क्रिएट रहता। लेकिन जब बाद में बताते हो ना, तो वो आपका ऊपर जो फेथ है ना, वो टूट जाता है। भले ही वाजिब कारण हो, लेकिन वो फेथ टूट जाता है। थर्ड, जिंदगी में एक दरवाजा हमेशा खुला रखे। पैसे के मामले हमें हो या मदद के मामले हो, कुछ भी मामले में, जिंदगी में एक दरवाजा हमेशा खुला रखें। हर किसी से अपनी इमेज खराब ना करें। आप बहुत से जनों से पैसे ले लेते हो, सबसे इमेज खराब कर देते हो। क्या होता है, जब आप संकट में होते हो, बहुत ही भारी संकट में होते हो, तब आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी में हमेशा एक व्यक्ति से तो हमेशा लेन देन साफ सुथरा रखें। कैसे भी संकट आए, कुछ भी आए, तो उसे हमेशा समय पे पैसा लौटाएं। क्यों? क्योंकि जब कभी बड़ी विपत्ति अगर आपके आएगी, तो वो आदमी सबसे पहले आपके पास खड़ा रहेगा और आपको कहेगा कितने पैसे चाहिए, ले जाइए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति से आपने लेन देन साफ रखा। आप सभी से अपनी इमेज खराब कर दोगे, सभी से पैसे लाकर सभी को नहीं चुकाओगे, तो क्या होगा अंत में? कोई आपकी मदद नहीं करेगा, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आपके जीवन में क्यों नहीं आई हो, कोई आपका साथ नहीं देगा। फोर्थ, बहुत मुश्किल समय में उधार ले। जीवन में बहुत मुश्किल समय आए ना, तभी उधार ले। छोटे मोटे कामों के उधार न ले, अपनी लग्जरी जीवन लाइफ के लिए कभी उधार न ले। कहते हैं ना, है ना, जितनी रजाई हो उतनी पैर पसारना चाहिए। अरे उतना ही काम करो ना जितने पास अपने पास मनी हो। छोटे मोटे कामों के लिए कभी भी पैसे उधार न लें, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे कामों के लिए उधार लोगे ना,
तो आपकी आदत बन जाएगी और ये आदत इन फ्यूचर यू विल गेट इन ट्रबल. सो ऐसा कभी ना. फिफ्थ, लोगों को भरोसा ना तोड़े. आपको लोग बिजनेस में और आपके पर्सनल लाइफ के लिए पैसे उधार देते, क्यों देते? ही हैज अ लॉट ऑफ फेथ इन यूर. आपके ऊपर वो बहुत सारा विश्वास रखते हैं और जब विश्वास रखते हैं और आपको पैसा देते हैं, लेकिन जब आप उस विश्वास को तोड़ते हो ना, आप उनके विश्वास को एक बार ही तोड़ोगे, लेकिन आपको पता नहीं है वो विश्वास जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर से उठ जाएगा उस व्यक्ति का, और वो किसी भी वे में आपके ऊपर विश्वास कभी नहीं करेगा. नो नेवर. एक बार अगर भरोसा टूट जाए ना, तो दोबारा भरोसा क्रिएट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. आप खुद के ट्राई करके देख लेना. इसलिए विश्वास बड़ी मुश्किल से अर्न किया जाता है और तोड़ने में क्या होता है, एक सेकंड लगता है. इसीलिए लोगों का भरोसा ना तोड़े. ये पांच बातें अपने जीवन में याद रखें. इसी के साथ आज यहीं. मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे. और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं.